नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम बात करेंगे कि काले काले रसीले जामुनों के क्या फायदे होते हैं। काले रसीले जामुन किसे नहीं भाते, और इन गर्मियों के दिनों में तो बाजार में जामुनों की जमकर बहार आई होती है। जामुन स्वाद में खट्टा मीठा होने के साथ साथ सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जामुन को रोज खाने से आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ती है और इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। गर्मियों में उल्टी दस्त होना बहुत आम बात है। चलिए जानते हैं कि जामुन इसमें कैसे हमारी मदद कर सकता है। जामुन के 1 किलोग्राम ताजे फलों का ताज़ा रस निकालकर 2.5 किलोग्राम चीनी मिलाकर शरबत जैसी चाशनी बना लें। फिर इसे एक ढक्कन वाली साफ बोतल में बंद कर रख लें। जब कभी उल्टी, दस्त या हैजा जैसी बीमारी की शिकायत हो तो थोड़े से पानी में 2 चम्मच ये शरबत मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। गठिये के उपचार में भी जामुन बहुत उपयोगी है। इसकी छाल को खूब उबाल लें। बचे हुए घोल का लेप घुटनों पर लगाने से गठिया में आराम मिलता है। इसमें उत्तम किस्म का शीघ्र अवशोषित होकर रक्त निर्माण में भाग लेने वाला तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जामुन और आम का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से शुगर के रोगियों को भी लाभ होता है। और तो और, जामुन खाने से आपकी त्वचा की रंगत भी निखर सकती है। जामुन शरीर में खून की कमी के लिए भी काफी असरदार रहता है, और ये ल्यूकोडर्मा बीमारी के लिए भी उत्तम औषधि है। अगर आपको किसी जहरीले मच्छर या कीड़े ने काट लिया है तो जामुन की पत्तियों का रस पिलाने से आपको आराम जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप कटे हुए घाव पर इसकी ताजी पत्तियों का पुल्टिस बांधने से घाव स्वच्छ होकर ठीक होने लगता है, क्योंकि जामुन के चिकने पत्तों में नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो भी जामुन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जामुन का रस शहद, आंवला या गुलाब के फूल का रस बराबर मात्रा में मिलाकर 1-2 महीने तक रोज सुबह के वक्त पीना चाहिए। इससे खून की कमी और शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जामुन ना खाएं। जामुन खाने से शरीर में जकड़न और बुखार होने की संभावना भी हो सकती है। और दोस्तों, इसे कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, और इसे खाने के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी टिप्स को जरूर अपनाएं और अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाएं। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।